हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज आसिफ इकबाल। जैसा कि मैंने आपके आपका प्रीवियस क्लास में बहुत सारा टॉपिक पढ़ाया प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, आज जो पढ़ाएंगे क्या क्लाइंबिंग मोशन को पढ़ाएंगे, लेकिन इससे आगे जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में कल पढ़ाए थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? वैसा टाइम जिस वक्त क्या होता है कि बॉडी हवा में रहेगा, उसको लोग क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और आज जो पढ़ने वाले हैं सर, रेंज क्या होता है? तो कहता है क्या कि रेंज उसमें क्या पढ़ना है? रेंज क्या है? तो सर आप कह सकते हैं क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होता है, होल टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा या जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसी को लोग रेंज कहेंगे। मतलब क्या कहते हैं? अ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ होल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ मतलब क्या हुआ? पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जितना भी हॉरिजॉन्टल मतलब दैट मींस एक्स एक्सिस पर जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो था ना, यही इसी को मतलब क्या, दैट इज OA, ए का OB इज नोन एज क्या? रेंज। अब आते सर, सर रेंज निकालने मतलब क्या होता? सर यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा, मतलब ये TS, बस देखो यहां से यहां जाने में जो टाइम लगता है वो TS या TY, इसी को क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? टू यू साइन बीटा बाई जी, इतना चीज होता है। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं। सपोज सर ये U है, तो अपने पास क्या करेंगे? मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ? हमको मोशन ड्राइव करना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ। मोशन क्या ड्राइव करना? हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ। कैसे सोचेंगे? तो देखो बापू, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स। अब तुम बताओ, अगर किसी चीज को ऐसे पे क्या फिर गिरे ऐसे, तो सर एक्सेलरेशन होगा हमेशा वर्टिकली, कह रहा है क्या इसके अक्रॉस। जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो हम तो एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं ना। अब पूछ देखो आदमी कि आप बताओ आसमान में कितना चले? सर हम जमीन पे चल रहे हैं, आसमान में क्या चल सकते हैं? जीरो चल सकते हैं। इसी तरह से मेरा एक्सेलरेशन ये जो चीज होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऐसे होता है, लेकिन बोला जा रहा है बताइए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन कितना होगा? इसका इफेक्ट क्या होगा? जीरो होगा। दैट्स व्हाई ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या कराएगा? जीरो, जो कि पूरे टर्म इसको क्या कर देगा? आगे बढ़ेगा। यू एक्स, ये जो यू एक्स है वो क्या होगा? टी एक्स क्या होगा? सर टी एक्स मतलब यहां से यहां का टाइम, यहां से यहां का टाइम क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। और यू एक्स को तुम जानते हो, अगर यहां पे यू है तो इस डायरेक्शन में कहलाएगा यू एक्स, इस डायरेक्शन में क्या कहलाएगा? यू वाई। अगर यू एक्स के बारे में सोचते हैं, सपोज करो यू एक्स के बारे में हम लोग सोचा, यू एक्स के बारे में सोचेंगे तो यू कॉस थीटा, इसमें कोई दिक्कत क्यों? इधर था इस चीज को इधर घुमा देंगे, यू एक्स यू कॉस थीटा। अब आते बोआ, इतना चीज अपने समझ में आ जाता है तो फिर हम लोग आगे करते क्या कि इसको अगर हम लोग डेरिवेशन और कैलकुलेशन में ले जाते हैं। देखो बाबू इस चीज को देखो, तो मतलब क्या है? एस वा एस एक्स कितना यहां से यहां ना, एस एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए बी, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर। इसको क्या लिख सकते हैं? यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो जीरो हो गया था। इसको यू एक्स को क्या लिखा? यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखा? टू यू साइन थीटा बाई जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आप अगर उसी को आगे बढ़ाते हैं तो आप क्या लिख सकते हो? सर दो बार यू था तो यू स्क्वायर, सर साइन थीटा ये वाला टू को उधर ले जा रहे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। सर इस चीज को क्या लिखा जा सकता है? सर इस चीज का फॉर्मूला होता है ना साइन टू थीटा, दैट्स व्हाई रेंज इज इक्वल टू व्हाट? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। आई होप कि आपको रेंज का फॉर्मूला समझ में आया हो। इसी कड़ी में हम लोग जो है
चलते हैं, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालने का, इसी करेंगे हम लोग। क्या करते हैं? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। सर मैक्सिमम हाइट मतलब ये वाला है सर, अ हाइट अटेम्प्ट बाय बॉडी व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो। मतलब क्या? ऐसा वक्त जिस वक्त वेलोसिटी क्या गया जीरो। तुम बता बाबू कि बॉडी इस तरह से ऐसे जाना चाहेगा, सर यहां पे वेलोसिटी क्या हो, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, इसके वी वाई यहां पे क्या जाएगा जीरो। सर ये जो चीज है यूएक्स है ना, तो सर मोशन यू वाई, अगर हम लोग कहें मोशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मोशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस अगर सोचिए तो क्या लिख सकते हो आप, तुम ही बता दो। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, सर फेंक रहा है उधर, एक्सेलरेशन किया नीचे, दैट्स वाई ये जी, अब चूंकि उल्टा में है इसलिए ऐसा। अब आप सर चूंकि वाई अगर मत बात करो, बात वाई है, इस चीज को देखो फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है यहाँ पे जीरो। ये इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या होगा, तो सर यू अगर इधर यू था तो इधर क्या जाएगा यू साइड का, तो ये दिख रही है माइनस टू जी। सर कितना हुआ था सर हमको मालूम नहीं था, कहेंगे एच। अब इस चीज को इधर ले आते हैं तो टू जी एच बराबर यू साइन होल स्क्वायर। अगर हम लोग को एच निकालना होता बाबू तो क्या लिख देते एच बराबर सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। क्लियर कट हो गया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई लगे कि नहीं समझ पा रहे तो आप जो क्या करें चैनल ही पे जाके, स्कूल वाला जो चैनल उसी पर जाके आप जो अपना कमेंट डाल सकते हैं या फिर अपना नेगेटिव फीडबैक डालिए, फिर उसी हिसाब से हम आपका कमेंट का जवाब या फिर जवाब उसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए ओके, हैप्पी नाइस डे।